मोदी के काले धन पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से देश के अंदर ईमानदारी की लहर चल पड़ी है। हर कोई अपने पैसे को बैंक में जमा करने के लिए निकल गया है। बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तभी तो देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी भारतीयों के ईमानदार होने की बात कर रहे हैं। ईमानदारी का लाभ है ये कल रात के बाद इस देश के नागरिकों को पहली बार लगने लगा। जिनके पास ऐसा साधन या पैसा है जो ईमानदारी से कमाया नहीं हुआ, वो सब चिंता में है, और जो ईमानदारी का जीवन दे रहे थे उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं कि ये तकलीफ होगी या ये तकलीफ होगी, मैं इनको बेबुनियाद मानता हूं। और ये किसी तरीके से काला धन वापस प्रयोग करने की सुविधा मिल जाए, उस दिशा के अंदर तर्क दिए जा रहे हैं। देश में लगभग 85-86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोट की हो गई थी, और जितना भी ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा, क्राइम का पैसा, ड्रग्स का पैसा, टेररिज्म का पैसा, जाली पैसा, रुपया, वो सारा इस करेंसी में था। और आपने इस निर्णय के साथ इन सब तकलीफों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करवाने की और देश को मुक्त करवाने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि इस देश में इकॉनमी कैशलेस हो, देश में लोगों को चेक या प्लास्टिक करेंसी के माध्यम से कार्य करने की एक शैली बढ़े, ब्लैक मनी किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, ब्लैक मनी में डील करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि भाई हमारा तो एक आदत बनी हुई है हम करेंगे, और उस आदत को बदलना पड़ेगा आपको, पूरे दुनिया में बदली है। जैसे ही देश विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, तो वहाँ करेंसी की वॉल्यूम श्रिंक कर जाती है और चेक और दूसरे विकल्प आपके डिजिटल मोड से ज़्यादा खर्चा होता है। उस दिशा के अंदर धीरे धीरे भारत जाए, ये तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। एक एक कदम एक दिशा में स्पष्ट था। SIT बनाना, फॉरेन ब्लैक मनी का कानून बनाना, लोगों को डिस्क्लोजर विंडो देना, उस पर टैक्स लेना, बड़ी मात्रा में टैक्स लेना, पेनल्टी लेना, और उनको ईमानदार बनने का एक प्रयास करना, जो नहीं करेंगे उनको सजा होगी, प्रोसिक्यूशंस लॉन्च करना, असेसमेंट्स करना, HSBC अकाउंट्स में, लिंचनस्टाइन अकाउंट्स में बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून बनाना, उसके बाद एक बहुत सक्सेसफुल IDS स्कीम लाना जिसमें 65-68 हज़ार के करीब करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद आप इस तरह से आप करें जिस निर्णय से लोगों के ऊपर एक कानूनी बाध्यता हो जाए कि अब वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ही अपना जीवन आगे बढ़ाए। मैं इसको बहुत सही दिशा का एक बोल्ड, जिसको बहुत पहले जिस कदम को उठाना चाहिए था, और इस देश के एक प्रकार से स्वभाव को बदलने वाला एक निर्णय, उस प्रकार का निर्णय मैं मानता हूँ, जिसका अर्थव्यवस्था पे लंबे अरसे में बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ने वाला। तो आप समझ गए ना कि अगर आपके पास जायज पैसे हैं तो घबराइए नहीं, अपने अकाउंट में जमा करें, और अगर काला धन के तौर पर है तो सरकार को उसका ब्यौरा दें।